नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में चक्की मोटर की सेंट्रीफ्यूगल स्विच यानी कि क्लच प्लेट को कैसे चेक करेंगे कि यह वर्किंग कंडीशन में है, अच्छे से काम कर रहे या नहीं कर रहे। देखिए इस चक्की मोटर से ये दो वायर जो दिख रहे हैं ब्लू कलर के, यह सेंट्रीफ्यूगल स्विच यानी कि क्लच प्लेट के वायर हैं। और जो चार वायर दिख रहे हैं लाल कलर के, पीले कलर के, रनिंग स्टार्टिंग है। हमको सिर्फ क्लच प्लेट के वायर से मतलब है, अच्छे से वायर वर्क कर रही है, क्लच प्लेट वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ये देखिए दो तरीके बताऊंगा, या तो आपके पास सीरीज है या फिर मल्टीमीटर है, दोनों तरीके आपको आना चाहिए। ये देखिए ब्लू वाले वायर से हमको चेकिंग करना है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच यानी क्लच प्लेट अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। देखिए सबसे पहले हमको सीरीज से चेक करना है, पहले क्लच प्लेट वर्किंग में है या नहीं है। देखिए ब्लू वायर पर सीरीज के वायर को टच करेंगे। ये देखिए दो ब्लू वायर हैं, उन पर सीरीज के दोनों वायर को टच करने पर सीरीज का बल्ब जलना चाहिए। देखिए इस तरह से आपको सीरीज फंसा लेना है सीरीज बोर्ड से। ये देखिए दोनों वायर पर टच करने पर सीरीज का बल्ब जलना चाहिए, यह बंद कंडीशन में होगा। ये देखिए अभी चक्की बंद है, दोनों वायर पर सीरीज के दो वायर को टच किए सीरीज का बल्ब जल रहा है, यानी अभी तक क्लच प्लेट सही है। अब इसको रनिंग कंडीशन में इसकी कंटिन्यूटी बंद होने जानी चाहिए। ये देखिए अब इस मोटर को चलाएंगे और इस वायर को पहले तो सीरीज से ही चेक करेंगे। रनिंग कंडीशन में बल्ब बुझ जाना चाहिए, इसकी जो कंटिन्यूटी है कट जानी चाहिए, तभी अच्छे से वर्किंग इसकी मानी जाएगी, वर्क कर रही है। देखिए क्योंकि इसमें स्टार्टिंग कंडेंसर लगा होता है, यदि स्टार्टिंग कंडेंसर कट नहीं होगा तो मोटर जल जाएगी, मोटर हीट होगी। ये देखिए इस तरह से दो वायर कनेक्ट कर लिए हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है यानी क्लच प्लेट, इसको ऐसे सीरीज में लगा देंगे, बल्ब जलता रहेगा। अब मोटर को चला करके देखेंगे, देखिए बल्ब जल रहा है। ये देखिए जो क्लच प्लेट के दो वायर निकले हैं उन्हीं वायर में दो वायर जोड़ करके सीरीज वाले बल्ब में लगा दिए सीरीज बोर्ड में, इस तरह से बल्ब जलने लगा जैसा कि पहले ही चेक कर चुके हैं उसी तरह से। ये देखिए इस तरह से इसे लगा देना है, बल्ब जलता रहेगा, यानी कंटिन्यूटी अभी जुड़ी हुई है। इसमें रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर जुड़ा रहेगा ऐसे स्टार्ट में, जब मोटर बंद रहेगी तब। अब मोटर को चलाएँगे, मोटर जैसे ही फुल स्पीड में रनिंग पकड़ेगी उस टाइम पर इसका जो कंटिन्यूटी है बंद हो जानी चाहिए। ये देखिए ये देख रहे हैं, इसके वायर को अलग अलग ऐसे कर लेते हैं शॉर्ट ना हो। ये देखिए पेचकस रख करके ऐसे सीरीज का बल्ब जल रहा है, यह क्लच प्लेट के दोनों वायर पर लगा हुआ है। देखिए अब मोटर को रन करेंगे, यानी स्पीड जैसे इसकी बढ़ेगी इसे यह बल्ब बुझ जाना चाहिए। देखिएगा ध्यान से आपको मोटर देखना है, मोटर स्टार्ट होने वाली है। ये देखिए अभी अच्छे से डायरेक्ट करंट प्लग नहीं हुआ है, देखिए ये देखिए मोटर चल रही है यानी बल्ब बुझ गया। जैसे मोटर स्पीड पकड़ती है बल्ब इस यानी इसकी कंटिन्यूटी कट जाती है। देखिए मोटर स्पीड पकड़ी बल्ब बुझ गया, देखिए बुझ गया यानी यह क्लच प्लेट अच्छे से वर्क कर रही है। यदि बल्ब नहीं बुझ रहा है फिर भी क्लच प्लेट खराब मानी जाती है। यदि बंद कंडीशन में सीरीज के वायर को इस तरह से टच करने पर बल्ब नहीं जल रहा है फिर भी खराब मानी जाती है। अब हम सीरीज के अलावा इससे मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। देखिए आपके पास चाहे तो क्लैंप मीटर चाहे पीला वाला मल्टीमीटर होगा तो उससे भी चेक हो जाएगी। इसमें सीरीज का बल्ब बंद हो रहा था, चालू हो रहा था, इसमें आपको कंटिन्यूटी दिखाई देगी यहाँ पर ऐसे, इसको ऐसे सेट कर लेना है। दो में से कोई भी आपके पास होना चाहिए, कंटिन्यूटी ऐसे चेक करना है सेलेक्ट करके आपस में। देखिएगा बीप की आवाज़ आ रही है, देखिए यहाँ कुछ रीडिंग्स हो रही है और बीप की आवाज़ आ रही है। अब सीरीज इसके मल्टीमीटर क्लैंप मीटर के दोनों प्रोब को इसके क्लच प्लेट के दो वायर हैं उस पर टच कर देंगे ऐसे, दोनों को ऐसे लगा देंगे। हम कंटिन्यूटी आना स्टार्ट हो गई, देखिए कंटिन्यूटी लगातार आ रही है। और मोटर को चलाएंगे, चलाने पर इसकी कंटिन्यूटी बंद हो जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर रीडिंग 4 दिखाई दे रही है और बीप की आवाज़ भी आ रही है। जैसे मोटर रनिंग कंडीशन में होगी उस टाइम पर इसकी बीप की आवाज़ और कंटिन्यूटी बंद हो जानी चाहिए। अब मोटर को चला करके देखते हैं, देखिएगा आपको ध्यान से मोटर देखना है। ये देखिए
यहाँ जो रीडिंग आ रही है बीपीए वाली बंद हो जाती है। जैसे रनिंग करेंगे, देखिए एक लिखा गया है यहाँ पर, देखिए पुनः से कंटिन्यूटी चालू होगी। इसी तरह से आपको चेक करना है।